यस यस मैम। मैम। यस और यस मैम। नो? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट है इसमें हमें चैप्टर वन करना है, लेकिन अभी चैप्टर वन से मैं स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि जो अदर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले वो देखेंगे। तो आपका ये चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर, सोलर रेडिएशन, वॉटर इन द एटमोसफेयर, देन उसके बाद आ रहा है आपका ये मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, एंड देन ये दोनों ही चैप्टर्स में से आपके डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको यही पढ़ना है, ये नहीं कि देखो अपना जब भी पढ़ा था सिलेबस सामने रख के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हीं को पढ़ना है। इधर उधर का आप फालतू का पढ़ेंगे तो जो है मेन टॉपिक आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही आएगा एग्जाम में। तो ये नहीं कि आपने पूरा चैप्टर उठा के पढ़ लिया, तो हम पहले चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 5 नंबर के जो क्वेश्चंस ये हैं या फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं ये जो है आते हैं। तो पहले हम चैप्टर 3 जो है स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर 1 जो है थोड़ा सा सर मैं बाद में इसी इसको बताऊंगी। चैप्टर 2 तो डिलीट हो चुका है इस बार के लिए। तो ये आप जो है चैप्टर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, चैप्टर आपको नजर आ रहा होगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम इसका रिवीजन करेंगे चैप्टर 3। अब इसमें जो है मैं बहुत डिटेल में ऐसे नहीं आपको बताने वाली क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं आप अपने पास एक कॉपी रखेंगे, और जो भी है रिविजन का मैं आपको वैसे भी देती जाऊंगी, या तो मैं आपको फिर मुझे या तो टाइप करके आपको देना पड़ेगा गूगल क्लासरूम पर, तो या तो वैसे या तो फिर आप खुद भी जो है उसको एक बार नोट कर सकते हैं जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ। ठीक है, तो इस पे जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा वो किस पे बनेगा, व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेस, मतलब जो है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। क्योंकि देखो हमारी जो है कम से कम 20 MCQ आपके आएंगे, 70 में से 20 तो MCQ होंगे आपके। ठीक है, तो हमें मतलब एक एक लाइन, आप 12th में जाइए चाहे क्या अपना 12th में अगली बार पैटर्न चेंज हो क्योंकि इस बार रिलेटेड पैटर्न था तो इसलिए है जो भी है, तो लेकिन तब भी आपके पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 18 MCQ तो आई आई थी। ठीक है, तो क्योंकि हमारा 1 नंबर का ना करके अब MCQ में चेंज कर दिया गया, तो MCQ ज्यादा टफ होते हैं एज कम्पेयर टू 1 मार्क्स, है ना। अगर मान लो आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लो सिंपल की व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो 1 नंबर में अगर आपसे ये पूछा गया तो आप उसमें कुछ लिख सकते हो 2-3 लाइनें। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो और 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, जो भी आप टिक करेंगे या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, है ना। तो जैसे कि आप पहले लिखते हैं 2-3 लाइनें लिख दी, तो आप लोग बच्चा फेल भी होता है तो टीचर चलो भी एक हम इसको 8 नंबर एक देके इसको पास कर देते हैं, है ना, मतलब गलत भी तो भी हमने थोड़ा सा इसको नंबर देके पास कर दिया। लेकिन अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर 4 में से अगर आपने कोई भी जो टिक मार्क किया है या आपने जो भी आंसर लिखा है, ठीक है, तो उतने ही वैसे ही आपको नंबर मिलेगा क्योंकि हम अपने हाथ से लिखने जाएंगे नहीं। तो जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, उससे आपके नंबर भी कम हो सकते हैं या तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अब इसमें आ क्या सकता है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। ठीक है, अब जो है इसका मतलब क्या है कि हमें अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में कहाँ से पता चलता है और क्या सोर्सेज है, सोर्सेज मीन स्रोत। ठीक है, तो अर्थ का इंटीरियर जो है वो हम कैसे पता करते हैं, हमने कैसे कहा कि अर्थ का इंटीरियर इस तरह का है, यहाँ पे आपका क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली। ठीक है, तो उसके बारे में हमें सोर्सेज, तो आपके पहला तो डायरेक्ट सोर्स हो गया जो आपके एग्जाम में आएगा, और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो अर्थ का इंटीरियर है उसके 2 सोर्सेस हैं पता लगाने के, डायरेक्ट सोर्स जो प्रत्यक्ष होते हैं जो हमारे सामने हैं, और एक होता है अप्रत्यक्ष जो हम अनुमान पे लगाते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्योंकि हम अंदर गए नहीं अर्थ के, तो जो चीजें कुछ ऐसी चीजें हो रही है हमारे सामने, तो उनसे हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि इस हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो इसमें जो एक MCQ पूछा जा सकता है वो ऐसा हो सकता है कि अर्थ का रेडियस कितना है, तो आप इसको टिक मार्क कर लीजिए कि जो हमारा अर्थ का रेडियस है वो कितना है, 6,370 किलोमीटर। ठीक है, नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सैंपल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम अर्थ के अंदर जाके पता नहीं लगा सकते क्योंकि अर्थ बहुत ही मतलब गहरा है, पूरा पत्थरों से भरा हुआ है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, तो हम अर्थ के इंटीरियर में पहुंचना नामुमकिन है।
तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। तो मान लो आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि चार ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से कहा गया कि इसमें से डायरेक्ट सोर्स कौन सा है, या फिर इसमें से डायरेक्ट सोर्स कौन सा नहीं है ना। तो हम देखते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। द मोस्ट इजिली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज रॉक सर्फेस। ठीक है, जो सर्फेस रॉक है, जो चट्टाने होती हैं, जो पत्थर होते हैं, जब हम माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, या फिर जो चट्टाने हमें सामने भी नजर आती हैं, तो उनको देखकर हम एक अंदाजा लगाते हैं कि भाई हमारे अर्थ के अंदर भी इसी तरह के रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अर्थ का इंटीरियर इस तरह का होगा। गोल्ड माइन्स इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3-4 किलोमीटर। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका एक देश है, वहां पे क्या है, जब वो लोग सोना निकालने के लिए खनन करते हैं, जमीन में डिगिंग करते हैं, 3-4 किलोमीटर गहरी खदान खोदते हैं वो लोग। ठीक है, तो गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। तो मतलब सोचिए कि आपको लगेगा 3-4 किलोमीटर बहुत गहरा तो होता नहीं है, लेकिन पृथ्वी के अंदर 3-4 किलोमीटर जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि 3-4 किलोमीटर कितना होगा, आप यहाँ से जैसे आप स्कूल में अपने बैठे हो, यहाँ से लेके आप चले जाइए जो आपका शायद मे बी रामझूला से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना। तो 3-4 किलोमीटर मतलब जितना भी है आपका, उतना दूर तो नहीं उससे भी पहले होगा, लेकिन उसी को आप अगर वर्टिकली देखो जमीन के अंदर, तो वो मतलब बहुत गहराई होती है। और आप देखते हो ना, जो आपके कोल माइनर्स होते हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो इतनी गर्मी होती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और पत्थर गिर जाते हैं, वो मारे जाते हैं, तो अंदर जाके हवा कम होने लग जाती है, गैसेस बढ़ जाते हैं, तो काफी डिफिकल्ट होता है। बिसाइड्स माइनिंग, तो माइनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका डायरेक्ट सोर्स क्या होगा, माइनिंग, और माइनिंग के थ्रू जो रॉक्स मिलते हैं या मिनरल्स मिलते हैं, उनके थ्रू हम अंदाजा लगाते हैं कि अर्थ के अंदर जो है, क्योंकि हम 3-4 किलोमीटर अंदर आपने खदान जो है बनाई, तो हमें पता चलेगा कि अर्थ के 3-4 किलोमीटर अंदर तक क्या है, चट्टाने हैं, रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चला। देन उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे जो है आपके एक्सप्लोरेशंस किए, प्रोजेक्ट चलाए। इसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है एक आपका डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और एक था आपका इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ये जो आपके प्रोजेक्ट चलाए, ये जानने के लिए कि जब हम डीप ड्रिलिंग करते हैं, मतलब तेल निकालने की जब हम ड्रिलिंग करते हैं, तो उसके कितनी गहराई पर मतलब है हमें तेल मिलता है, मतलब उन्होंने जितनी भी जो भी किया उसमें भी देखते हैं। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन में उन्होंने सबसे गहरा जो है ड्रिलिंग की थी, और वो कितने नीचे गए थे, 12 किलोमीटर अंदर गए थे। ठीक है, एंड दिस एंड मेनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैव प्रोवाइडेड अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ। ठीक है, तो जब ये प्रोजेक्ट थे और ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें ओशन ड्रिलिंग की गई, मतलब समुद्र के अंदर जाके भी ड्रिलिंग की गई है, बाहर भी ड्रिलिंग की गई है, और 12 किलोमीटर गहराई तक पहुंचे। ठीक है, आर्कटिक ओशन में देखो, कोला में तो 12 किलोमीटर अंदर तक पहुंचे, और फिर वहां पे जैसे जैसे वो अंदर गए हैं, तो उन्हें पता चला है कि मतलब जो है नीचे कौन से पत्थर हैं, कौन सी चट्टाने हैं, है ना। जैसे आप 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, तो वहां पे जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो इससे कम अंदाजा लगाते हो कि भाई 5 किलोमीटर पे आपके ऐसे रॉक हैं, आप उससे और नीचे जाओगे तो फिर तब भी आपको रॉक मिल रहे 10 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर तक इनको चट्टाने मिली है, और कितना टेम्परेचर उन्होंने ये भी मेजर किया कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, टेम्परेचर ऐसे ऐसे और बढ़ता जा रहा है ना, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने पता की है। वो बात अलग है कि हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते, डीपेस्ट 12 किलोमीटर गए हैं, तो उसके हिसाब से जो भी हमें पता चला है वो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताता है। तो माइनिंग हो गया, रॉक्स हो गए, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, इनके थ्रू जो है हमें अर्थ के बारे में पता लगता है, डायरेक्ट सोर्सेज है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो भी मॉल्टन मटेरियल, जो भी आपका मैग्मा आता है, जब आपने कभी वॉल्केनिक इरप्शन होते हुए देखा होगा कि जैसी सडनली अर्थ क्रस्ट जो है आपका डिस्ट्रॉय होता है, और अंदर से बहुत तेजी से जब मैग्मा निकलता है बाहर की तरफ, जो आपका मोल्टन लावा निकलता है, तो वो धीरे धीरे सूख जाता है ना, ड्राई हो जाता है, जब ठंडा होता है फिर ड्राई हो जाता है। फिर जब साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हैं तब पता लगाते हैं, क्योंकि भाई जो है हम तो अंदर नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो आपका मैग्मा है वो तो काफी गहराई से आता है। ठीक है, तो जब हमें ऑलरेडी पता है कि 12 किलोमीटर तक तो हमें कहीं मैग्मा दिखा नहीं, हमने जो ड्रिलिंग की तो हमें देखा कि भाई 12 किलोमीटर हम अंदर गए हैं, लेकिन वहां पर तो कहीं मैग्मा नजर नहीं आया, इसका मतलब भी जो मैग्मा आ रहा है ये बहुत गहराई से आ रहा है। ठीक है, काफी गहराई से आ रहा है, तो तब हम इसकी स्टडी करते हैं। तो जब ये चीजें ऊपर आती है तो हम इसकी स्टडी करते हैं, और हम देखते हैं कि भाई जब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम कहते हैं इग्नियस रॉक है ये, क्योंकि लावा से तो इग्नियस रॉक ही बनता है ना। तो जब हम ये लावा की स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो है अर्थ के और गहराई में जाते हैं हम, तो हमें क्या क्या जो है चीजें मिलती है, किस टाइप का रॉक मिलता है, क्योंकि लावा जो है उस मैग्मा में क्या क्या होता है ना। तो ये सब हम उसकी स्टडी करके बता सकते हैं कि लावा की अर्थ की गहराई में
जो है क्या क्या चीजें, मतलब क्या जो है केमिकल्स हैं या रॉक्स हैं वो प्रेजेंट है मैग्मा की स्टडी करके, क्योंकि मैग्मा काफी गहराई से आता है। और फिर हमें पता चलता है कि भाई 30-35 किलोमीटर के बाद जाके आपका जो लेयर है वो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो लावा ऊपर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा लिक्विड है। जैसे ही क्रस्ट खत्म होता है तो आपका एक लिक्विड लेयर शुरू होती है जिसको जो जिस जो मैग्मा से भरी हुई है, लावा से भरी हुई है। तो ये आपका हो गया वॉल्केनिक इरप्शन। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज के ऊपर। इनडायरेक्ट सोर्सेज जो होते हैं आपके, वो आपको कुछ ना भी पता हो तो कम से कम आप जो उनके नाम है वो आपको मालूम होने चाहिए। लाइक वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस टुवर्ड्स द इंटीरियर इन डीपर डेप्थ। मतलब कि जो टेम्परेचर है एंड प्रेशर है, जितना हम गहराई में जाएंगे प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो और जो है ज्यादा होता चला जाता है। मोर ओवर इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स ऑल्सो इंक्रीजेस विद द डेप्थ। देन जितना हम गहराई में जाएंगे उतना ही जो भी हमें चीजें मिलती है वो उतनी भारी होती चली जाती है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब डेंसिटी मतलब जो घनत्व होता है, जो भी रॉक्स होते हैं वो और ज्यादा डेंस होते हैं, वो और ज्यादा भारी होते हैं जितना हम गहराई में जाते हैं। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स नोविंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी। तो ये सब जो है मतलब जानने के बाद, मतलब जो भी हमने माइनिंग और इन सबसे जाना, तो हमने जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक अनुमान, मतलब रियलिटी है या नहीं है लेकिन एक अनुमान लगाया कि जो हमारा पूरा अर्थ है वहां पे इतने से इतने किलोमीटर में इतना टेम्परेचर पाया जाता है, उसके नीचे हम और जाएंगे तो हमें ऐसा टेम्परेचर मिलेगा, इतनी डेंसिटी। तो हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने पूरा, मान लो ये क्रस्ट है हमारा, ठीक है ये हमारा पूरा क्रस्ट है, तो जितना हम गहराई में गए हैं ये हमारा क्या है कोर, सबसे बीच का पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्रस्ट हो गया मान लो, फिर ये हमारा मेंटल हो गया, और उसके बाद ये हमारा कोर का एरिया शुरू हो गया, ठीक है। तो अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया है कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे कितना प्रेशर है, और यहाँ कितनी डेंसिटी है। देन यहाँ कितना प्रेशर है, टेम्परेचर है और डेंसिटी है, यहाँ कितना टेम्परेचर प्रेशर है, बल्कि जितने भी आपके लेयर्स हैं उसमें कितने टेम्परेचर और डेंसिटी है और प्रेशर है, ये तीनों ही चीजें जो है साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके बताई है। टेम्परेचर प्रेशर है डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स एट डिफरेंट डेप्थ, ठीक है। अब हमारे साइंटिस्ट ने आपको आपने अभी पढ़ा ना कि हमारे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारा अर्थ का रेडियस कितना है, 6,370 किलोमीटर्स। तो जहां हम खड़े हैं उससे 6,000 किलोमीटर नीचे जो है हमारा कोर है, जो हमारा सबसे सेंट्रल बिंदु है अर्थ का, ठीक है। तो उसको हमने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है, और हर लेयर पे जितना हम गहरा जाते हैं उतना ही टेम्परेचर बदलता चला जाता है, प्रेशर बदलता है और डेंसिटी चेंज होती है। वैसे ना जैसे हम पृथ्वी से जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, उसी तरह से हम पृथ्वी से नीचे जाते हैं गहराई में तो जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी जो है रॉक्स की वो बढ़ती जाती है, चेंज होती चली जाती है, ठीक है। तो एक ये हो गया। देन अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मिट्योराइट्स, धूमकेतु होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये धूमकेतु जो होते हैं या कॉमेट्स जो होते हैं, जो हमने सुना है कि ये उल्का पिंड होते हैं जो कि हमारे पृथ्वी पे आके गिरते हैं, चट्टान होती है बड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये जो हमारी पृथ्वी पे आके गिरती हैं तो उनकी स्टडी हम करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये प्लैनेट्स के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है जब अर्थ इनके ऑर्बिट में आ जाता है तो ये क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ से टकरा जाते हैं, तो अर्थ के ऊपर आके गिरते रहते हैं। तो ये जो मिटियोराइट्स हैं जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर इट मे बी नोटेड दैट द मटेरियल दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मिटियोराइट इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जो धूमकेतु ये सब आता है, मिटियोराइट्स जो आते हैं वो हमारे अर्थ का पार्ट नहीं होता, अर्थ की गहराई का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो हमारे अर्थ जैसा ही होता है। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मिटियोराइट्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो जो मिटियोराइट्स होते हैं जब उनकी स्टडी की गई तो ये पाया गया कि वो हमारे अर्थ की जैसे हैं। तो मिटियोराइट्स बहुत बड़े तो होते नहीं है, उनको हम जो है तोड़ ताड़ के जैसे भी ब्रेक करके उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो हमने जब मिटियोराइट्स की स्टडी की तो हमने कहा कि जैसा मिटियोराइट्स का इंटीरियर होता है वैसे ही हमारा अर्थ का भी इंटीरियर होगा, क्योंकि मेटेराइट्स अंदर से सॉलिड होते हैं। तो हमने कहा कि जो अर्थ है वो भी अंदर से सॉलिड है, मतलब जो हमारा कोर एरिया है, जो मिडिल पार्ट है, वो बिल्कुल सॉलिड में। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप आउट ऑफ मटेरियल्स सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट। जो मेटेराइट्स होते हैं वो हमारे जैसे अर्थ प्लैनेट्स के जैसे ही बने होते हैं, हेंस दिस बिकम्स येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दूसरा सोर्स क्या हो गया हमारा, मेटेराइट्स, बिकॉज दे लुक लाइक अर्थ ओनली एंड जो उनका कॉम्पोजिशन होता है वो भी अर्थ की तरह होता है, जो अर्थ इन चीजों से बना हुआ है वो मेटेराइट्स भी वैसे ही बने होते हैं तो रॉक से। तो जब उनकी स्टडी हम गहराई तक करते हैं तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि जो मेटेराइट्स जैसे हैं वैसे ही हमारा अर्थ भी होगा।
उसके बाद जो है हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेस कौन से आते हैं, जो है ग्रेविटेशन आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, सिस्मिक एक्टिविटीज आती हैं। तो वैसे है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन आपको इतना जब मैग्नेटिक फील्ड इतना पढ़ने की जरूरत है, वो तो ये फिजिक्स टाइप का दे रखा है, आप बस पढ़ लीजिएगा मेन सिस्मिक एक्टिविटी। एक बार हम लोग जो है इसको रीड कर लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सर्फेस, इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारे, आपको पता है कि हमारे जो हमारा जो अर्थ है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए कोई भी चीज जो होती है वो वापस पृथ्वी के ऊपर लौट कर चली आती है। तो हमारा जो अर्थ है उसका खुद का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स। ठीक है, पोल्स के पास ही ग्रेटर है, ज्यादा है, और इक्वेटर के पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स। इसका मतलब देखो क्या है, जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, इनका मतलब ये है कि जो अर्थ का मिडिल पार्ट है, ठीक है, जो अर्थ का अगर हम लोग एक, इसको आपको 3D व्यू में अपने दिमाग में लेना पड़ेगा कैसे, कि मान लो हमारा अर्थ जैसे गोल है, स्फीयर फॉर्म में, और हमारा जो अर्थ का बिल्कुल रेडियस है, जो पिन पॉइंट है ना, सेंट्रल पार्ट, वो बिल्कुल बीच में है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि जो हमारा अर्थ का सेंट्रल पार्ट है उससे पोलर एरियाज की दूरी कम है और इक्वेटोरियल एरिया की दूरी जो है ज्यादा है। ये वही लिखा ना, दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर, मतलब जो ये है, इसके अगर हम ऊपर आएंगे तो इक्वेटर का जो एरिया है, मतलब जो हमारा ये एरिया है इक्वेटोरियल एरिया, इसको आपको 3D व्यू में समझना पड़ेगा, 3D व्यू में। ठीक है, ये हमारा पोलर एरिया है और ये हमारा इक्वेटोरियल, ये लाइन जो है इक्वेटोरियल एरिया है। तो अगर हम इक्वेटर से गहराई में जाएंगे तो इक्वेटर जो है इंडिया के, जो वर्ल्ड का जो सेंट्रल पार्ट है, अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है, उससे काफी दूर पड़ता है, जबकि जो पोलर एरियाज हैं वो सेंटर से दूर है। क्योंकि देखो हमारा जो अर्थ है ना वो बल्ज है, ये जो मैंने डायग्राम बनाई बहुत सही डायग्राम नहीं है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो बल्जिंग में, मतलब पोलर एरिया से दबा हुआ है। ये देखो ये जो है ऐसे दबा हुआ है कुछ ऐसे, तो हमारा जो ये हिस्सा है वो सेंट्रल एरिया से दूर है, और जो पोलर एरियाज हैं वो आपका सेंट्रल एरिया से पास में। बस अगर आपको कुछ भी नहीं ना समझ में तो बस इतना समझ लो, वैसे एग्जाम में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के बता रही हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पोलर एरियाज में ज्यादा होता है और इक्वेटोरियल एरियाज में कम होता है, क्योंकि जो हमारा इक्वेटोरियल एरिया है वो हमारे सेंट्रल एरिया से क्या है, दूर है, और हमारे पोलर एरिया से पास में है। ठीक है, अब इससे हम पता क्या लगाएंगे, द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। ठीक है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा समझना नहीं है, कि इससे आपको ये पता चलता है कि जो हमारा सेंट्रल पार्ट है अर्थ का, वहां पे ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे डेंस मटेरियल हैं, मतलब जिनमें मतलब फोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको इतना पता ना हमारा कोर किससे बना हुआ है, नाइफ से बना हुआ है, निकल एंड फेरस से। ठीक है, तो ये हमने अंदाजा इसी बात से लगाया है, क्यों, क्योंकि पोलर एरिया जो है वहां पे आपका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, और क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये जो आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पोलर एरियाज में ज्यादा है, क्योंकि पोलर एरियाज आपके जो अर्थ, सॉरी, अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है उससे काफी पास पड़ते हैं। ठीक है, ये जो दोनों एरियाज हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हमारे मैं बाबा इंडिया निकल रहा हूँ, उससे अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है उससे काफी पास में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इन दोनों ही एरियाज में ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी ज्यादा है, और ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसका एक फैक्टर ये भी है कि आपका जो कोर है, जो बिल्कुल मिडिल पार्ट है अर्थ का, वहां पे काफी ज्यादा डेंस मटेरियल्स हैं, डेंस मतलब काफी भारी मटेरियल्स हैं, जिनकी वजह से पोलर एरियाज में जो है आपका डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल एरियाज। एक तो आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और टफ है, उसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट है हमारा सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, ठीक है, थीके? जो हमारे अर्थक्वेक वेव्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी स्टडी करके हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो अंदर से किस तरह का है। तो देखो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन एक आएगा डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। डायरेक्ट में आपको ये पता चल चुका है कि डायरेक्ट में आपका क्या होता है, माइनिंग एंड आपका टाइप्स ऑफ रॉक्स, ओशन ड्रिलिंग एंड आपके वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, मैग्मा की जो स्टडी करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट सोर्सेस पाएंगे तो हम बताएंगे कि जो हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, और जो डेंसिटी होती है,
वो हमारी डेप्थ के साथ इंक्रीज होती है, और ये हमारे साइंटिस्ट ने पता लगाया विद द हेल्प ऑफ माइनिंग, मतलब माइनिंग से ही इनडायरेक्टली हमने पता लगा लिया कि जो हमारा डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर है वो इस तरह का है जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं विद चेंज इन द डेप्थ। देन सेकेंड क्या था हमारा, मीटियोराइट्स। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड फोर्थ है हमारा सिस्मिक एक्टिविटीज। ये हमारे सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं कि जिनके थ्रू हम पता लगाते हैं, क्योंकि हम अंदर नहीं गए तो इनके थ्रू हम जो है इनडायरेक्टली पता लगाते हैं कि हमारा अर्थ का इंटीरियर इस तरह का है। अब हम जो है अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक जो होता है वो बहुत ही आसान है, सबको पता है भूकंप क्या होता है। वेन देर इज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, देन इट लीड्स टू शेकिंग ऑफ द क्रस्ट विच इज नोन एज अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक बेसिकली मतलब क्या होता है, जब हमारा क्रस्ट है, जो हमारा लैंड सरफेस है, जब वो हिलने लग जाता है, उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट जाते हैं, शेकिंग स्टार्ट जाती है, तो उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, अब जो हमारा ऊपर का पार्ट है जहां पे हम लोग खड़े हैं, जो ये हमारा क्रस्ट है, जब ये इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट जाती है तो इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी। जब अंदर से हमारी क्रस्ट के अंदर से नीचे से अर्थ के इंटीरियर से जब सडन एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो आपके वेव्स स्टार्ट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, वो जो वेव्स होते हैं वो हमारे रॉक्स में आते हैं और रॉक्स के थ्रू हमारे क्रस्ट तक पहुंचते हैं और क्रस्ट फिर जो है हमारा हिलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं दे आर द एनर्जी, ठीक है, दे आर द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर विच लीड्स टू शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो बेसिकली जो हम ये भूकंप देखते हैं ना, भूकंप जो जमीन हिलती है वो तो परिणाम है, वो तो रिजल्ट है, लेकिन बेसिकली अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक इज द एनर्जी वेव्स जो कि हमारे अर्थ के इंटीरियर से रिलीज होती है जब दो प्लेट्स आपस एक दूसरे से दूर चली जाती है या एक दूसरे से टकराती हैं, तब जो आपने टेक्टोनिक प्लेट सुना हुआ है, ठीक है, तो जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से फिसल जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, तब आपकी सडन एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी, मान लो ये हमारा अर्थ का इंटीरियर है, यहाँ पे दो प्लेट्स आई, वो आपस में टकरा गई, ठीक है, इनका कोलिजन हुआ, अब इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वो पूरे, और ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, ये जो वेव्स हैं, ये जो तरंगे हैं एनर्जी, ये मूव करती हैं, ये पूरी यहाँ पे भी पूरी चट्टाने भरी हुई है अर्थ के अंदर, उनके थ्रू ये मूव करती है, अर्थ क्रस्ट तक पहुंचती है और क्रस्ट को हिलाने लग जाती है, इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं सिंपल। ठीक है, अब जहां से ये एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थ के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड is called focus of the earthquake and alternatively it is also called the hypocenter. तो focus and hypocenter दोनों एक होते हैं, क्योंकि ये वो area होता है earth के अंदर जहाँ से आपकी energy release हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, focus of the earthquake या फिर आपका hypocenter, ठीक है। और जहाँ पे ये energy सबसे पहले पहुँचती है focus के just perpendicular ऊपर, वो point जहाँ पे energy सबसे पहले पहुँचती है उसको हम क्या कहते हैं, epicenter. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. तो focus के just ऊपर सबसे पास crust में जो जगह होती है जहां पे waves पहुंचती हैं उसको हम क्या कहते हैं, it is a point directly above the focus. तो ये just focus के ऊपर just जो जगह होती है इसको हम कहते हैं epicenter. तो ये words को आप याद रखिएगा, focus क्या है, epicenter क्या है. Now हमारा आता है earthquake waves. ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया, हम अर्थक्वेक, बहुत सिंपल सी बात है, अर्थक्वेक इज द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ विच कॉजेज शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जब पृथ्वी के अंदर से अचानक से जो है आपकी जो है ये एनर्जी रिलीज होती है और जिसकी वजह से तरंगे रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का प्रॉपर्टी है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो हिलने लग जाता है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं. ठीक है, और जहां से एनर्जी रिलीज होती है, वेव्स आती है, उसको हम फोकस कहते हैं, और फोकस के जस्ट ऊपर जो एरिया होता है पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट पे, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर, क्योंकि सबसे पहले वेव्स वहीं पहुंचती हैं, क्योंकि वो नियरेस्ट पॉइंट है फोकस के जस्ट ऊपर. ठीक है, अब हम वेव्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपके दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो उनसे तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो अब वो कौन सी हैं, अर्थक्वेक वेव्स. अब हम उनको एक धीरे धीरे करके देखते हैं. देखो, इट इज सफिशियंट टू नोट here that the lithosphere refers to the portion depth up to 200 kilometer from the surface of the earth. ठीक है, जैसे जो हमारा क्रस्ट है, ऊपर का जो हिस्सा है,
उससे नीचे देखो हमारे ऊपर का हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं इसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके जब हम 200 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे, ठीक है, ये मान लो 200 किलोमीटर हम अंदर चले गए, तो क्रस्ट से लेके ये जो 200 किलोमीटर तक का एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, पूरा लिथोस्फेयर। आपने लिथोस्फेयर वर्ड सुना होगा, लिथोस मीन्स रॉक, ठीक है। सो रॉक स्फेयर मतलब वो लेयर जो सिर्फ चट्टानों से भरी हुई है, पृथ्वी की हम जितना नीचे जाएंगे वो पूरी चट्टानों से भरी हुई है, उस लेयर को हम कहते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का आपने नाम सुना होगा, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एक सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, और एक स्केल होता है इसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। कि मतलब आपने सुना होगा ना, पर बाकी 1 पॉइंट रिक्टर स्केल पे, 2 पॉइंट रिक्टर स्केल पे भूकंप आ गया है ना, तो 1 से 2 के मापन होता है उसमें रिक्टर स्केल पर। तो एक इंस्ट्रूमेंट मान लो ये जो है आपका एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, और ये स्केल लगा होता है, और इसमें पता नहीं कुछ बंधा होता है, तो ये इस पे लटकता रहता है, ये हिलता रहेगा ऐसे करके, हिलता रहेगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा ऐसे हिलेगा उतना मतलब ज्यादा तरंगे आई है, और अगर सिर्फ कम होगा 2 से 3 या 4 या 2 रिक्टर स्केल पे आपके तरंगे आई है। तो इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, एंड जो आपके स्केल होता है उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल, ठीक है। नाउ अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। जो हमारी तरंगे निकलती हैं फोकस से, वो दो तरह की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव्स। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बॉडी वेव्स जो वो तरंगे होती हैं जो कि डायरेक्ट फोकस से निकलती हैं, ठीक है। जब दो प्लेट्स आपस में टकराई तो उससे जो सबसे पहली जो तरंगे निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स, ठीक है, उन्हें हम बॉडी वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे ये आपका अर्थ है, ये आपका फोकस है, ठीक है। फोकस में वाइब्रेशन हुआ, दो प्लेट्स आपस में टकराई, और यहीं से आपका ये फोकस हो गया। यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है सबसे पहले, और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाती है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही है, ये इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं बॉडी वेव्स, और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है, और चट्टानों से होकर मूव करती है। क्योंकि आपको पता ना कि आपके इंटीरियर में पूरी चट्टानें भरी हुई है, तो चट्टानों से होते हुए वो ट्रेवल करती है इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये इसे हम कहते हैं बॉडी वेव्स। अब बॉडी वेव्स जैसे ही हमारे क्रस्ट पे पहुंचता है तो वो अलग रूप ले लेता है और हमारी सरफेस में ट्रेवल करने लग जाता है, ठीक है। तो अंदर से तरंगे आई, ये तरंगे अंदर से आई, और इसको हमने बॉडी वेव कहा। अब जैसी बॉडी वेव हमारी क्रस्ट से टकराई है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारे जो ऊपर का लेयर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इस क्रस्ट से जैसी टकराई है तो ये पूरे क्रस्ट में घूमने लग गई, आसपास के एरिया में जहां तक इसका फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये पूरे एरिया में इसने कवर किया, तो ये जो वेव्स है इनको हम कहते हैं सरफेस वेव्स, क्योंकि ये हमारे अर्थ सरफेस पे पूरी तरह मूव करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसीलिए हम इनको सरफेस वेव कहते हैं। तो बॉडी वेव्स ही जैसी क्रस्ट पे आती है दे चेंजेस टू सरफेस वेव्स। तो ये बॉडी वेव्स हो गई जो अंदर है, और ये जैसी क्रस्ट से मिलती है तो ये सरफेस पे पूरे आपके जो है, आपने देखा होगा ना, पूरी जमीन चट्टाने हिलने लग जाती है, तो जो हिलती है ये पृथ्वी पे जो हम अपने सामने देखते हैं, दैट इज ड्यू टू द सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स ने पास कर दी अपनी एनर्जी और वो पूरी पृथ्वी पे फैल जाती है, जहां जहां तक मतलब उसकी जितना पावरफुल होता है वो, और उसको हम कहते हैं सरफेस वेव्स। तो हेंस द नेम बॉडी वेव्स। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स। तो वही मैंने कहा कि जैसे ये चट्टानी ऊपर आती है, ये सॉरी वेव्स ऊपर आती है, बॉडी वेव्स वो जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर रॉक्स होती है उनसे टकराती है, और एक नई वेव जो है उसका ओरिजिन होता है, जिसको हम कहते हैं सरफेस वेव्स। और सरफेस वेव्स जो होती है वही सबसे ज्यादा क्या होती है, खतरनाक होती है, ठीक है। बॉडी वेव्स हमें डायरेक्टली तो इफेक्ट करती नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बॉडी वेव्स कन्वर्ट हो जाती है सरफेस वेव में, और ये सरफेस वेव्स होते हैं वही पूरी चट्टानों को पृथ्वी पे हिलाते हैं, और जो भी मतलब नुकसान होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो किसकी वजह से होती है, सरफेस वेव्स की वजह से। तो अगर आप एग्जाम में आता है कि भाई कौन सी वेव सबसे खतरनाक होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सबसे खतरनाक जो वेव्स होती है, डिजास्टर्स जो सबसे वेव्स होती है, वो होती है आपकी सरफेस वेव्स, क्योंकि हमारे जो अर्थ के सरफेस पे वही वेव्स ट्रेवल करके डिस्ट्रक्शन करती है। अब जो बॉडी वेव्स होती है वो भी दो तरह की होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो फोकस से फिर पृथ्वी तक जब तक पहुंचती है तब तक कई सारी चट्टानों से बीच के होके गुजरती है। तो दो तरह की होती है, एक होता है आपका पी वेव्स एंड एक है आपका एस वेव्स। जो पी वेव्स होती है दे मूव फास्टर एंड दे आर फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस। तो आपकी जो बॉडी वेव्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक है पी वेव एक है एस वेव। पी मतलब जो आपकी प्राइमरी वेव्स होती है,
और सबसे पहले ये निकलती है और चट्टानों तक पहुंचती है, मतलब सरफेस तक पी वेव्स पहुंचती है। द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, ठीक है, जैसे साउंड वेव्स होती हैं, आपने आवाज जो आपने सुनी होगी साउंड वेव्स होती है, वैसी आपकी प्राइमरी वेव्स भी होती हैं। दे कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, जो हमारी पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस तीनों ही मीडियम के थ्रू पास हो जाती हैं, ठीक है। अब जबकि एस वेव्स में देखते हैं क्या होता है, एस वेव्स जो होती है वो थोड़ा सा टाइम के बाद सरफेस पे पहुंचती है, टाइम लैग के बाद, ठीक है, इसलिए उनको सेकेंडरी कहा जाता है। देन एस वेव जो होती हैं, इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास हो सकती हैं, ठीक है, सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास हो सकती हैं, जहां भी लिक्विड आएगा या गैसियस आएगा तो वहां से ये गायब हो जाएंगी। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट हैज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो अब इससे हमें फायदा क्या मिला कि जब हमने सिस्मोग्राफ पे इन वेव्स को रिकॉर्ड किया तो हमने ये पाया कि जिन जिन जगह से हमारी सेकेंडरी वेव्स गायब थी, ठीक है, मैंने आप जैसे कि प्राइमरी वेव्स तो भाई हर जगह ट्रेवल हो रही है सॉलिड लिक्विड एंड गैस में, तो जहां जहां से प्राइमरी वेव्स पास हो गई हमने रिकॉर्ड कर लिया सिस्मोग्राफ पे और इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने देखा कि जहां जहां से प्राइमरी वेव्स पास हो गई इसका मतलब कि वो एरियाज में जो है सॉलिड लिक्विड गैस एंड सब हो सकता है। बट जो हमारी सेकेंडरी वेव्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स की खासियत क्या कि सिर्फ वो सॉलिड में ही पास हो सकती है, तो जहां जहां से हमें अर्थ के में सॉलिड वेव्स गायब मिली, इस सॉलिड वेव्स को हम नोटिस नहीं कर पाए, इसका मतलब कि वो जो एरिया है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो तभी हमने पता लगाया कि जो हमारा क्रस्ट जहां खत्म होता है उसके नीचे का जो एरिया है वो मॉल्टन फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि वहां से सेकेंडरी वेव्स हमें नोटिस नहीं हुई, वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम सेकेंडरी वेव्स को, ठीक है। तो इसका मतलब कि सेकेंडरी वेव्स क्योंकि सिर्फ सॉलिड से पास होती हैं, और अगर वहां पे सॉलिड नहीं था तभी वहां से सेकेंडरी वेव्स जो है वो पास नहीं हो पाई। तो मेनली सिंपल आपको इतना ज्यादा है, सिंपल वे में बता रही हूँ कि जो हमारी वेव्स होती है, तो वेव्स के बारे में बहुत अच्छे से तारीफ सुन लेना, अब तक तो मैंने बताई दिया। वैसे दो तरह की वेव्स होती है, एक होता है बॉडी वेव्स और एक होता है आपका सरफेस वेव्स, ठीक है। जो फोकस से निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स, ठीक है। अब बॉडी वेव्स जो है जैसे ही अर्थ क्रस्ट पे पहुंचती है तो वो सरफेस वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है और सरफेस वेव्स ही जो है डिस्ट्रक्शन करता है। अब जो बॉडी वेव्स होती है वो दो तरह की होती है, एक है आपका प्राइमरी और एक है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी वेव्स दे कैन मूव थ्रू ऑल मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड जो गैस है तीनों में से ट्रेवल कर सकता है, बट जो सॉलिड है वो इट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल, ठीक है। तो ये आपका पूरा वेव्स का हो गया, फोकस से निकला बॉडी, बॉडी वेव्स जब क्रस्ट पे पहुंचा तो आपका सरफेस वेव में कन्वर्ट हो गया जो सबसे डिस्ट्रक्टिव होती है। देन बॉडी वेव्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं उनसे हम ये पता कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड का इंटीरियर है वहां पे कहां कहां लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि सॉलिड वेव्स सेकेंडरी वेव्स जो है लिक्विड में नहीं पाई जाती हैं, ओनली सॉलिड में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है आज हमने वेव्स के बारे में पता कर लिया, बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। चलिए अब आपसे मैं जरा कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। तो आप मुझे पहले ये बताइए हमारे डायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, बताइए डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं। अंकित, प्रांजल, राजन, रोहन, अभी तो आप सुन रहे थे, रिया कहाँ गायब हो गई। बताइए बच्चों, अभी तो आपको मैंने बताया पूरा, आप लोग सुन रहे हो मेरी आवाज, हेलो बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ तो बताइए डायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से मैंने आपको बताए थे। मैम फ्रॉम माइनिंग एरियाज एंड मोल्टन मैग्मा फ्रॉम वोल्केनिक एक्शन, आपको मैंने रॉक्स बताए, माइनिंग बताया, एंड देन वोल्केनिक, वोल्केनिक इरप्शन से हमें क्या मिलता है, मैग्मा, है ना। तो रॉक, वोल्केनिक इरप्शन से मैग्मा जो मिलता है, माइनिंग, ये हमारे डायरेक्ट सोर्सेज हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज
मैम ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड देन सिस्मिक वेव्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके सिस्मिक वेव्स हैं, है ना, जो अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती हैं। अब बताइए मुझे अर्थक्वेक्स ये फोकस क्या होता है, व्हाट इज फोकस? आपके सामने दिया हुआ पूरा आपको फोकस नहीं समझ में आ रहा है? फोकस क्या होता है, वही तो मैं एक्सप्लेन किया है। हम जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक। ये अर्थ के ऊपर होता है या अर्थ के नीचे होता है? नीचे आपको प्रॉपर आंसर करना है। दिस प्लेस इज बिलो द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम वेयर सिस्मिक एक्टिविटी स्टार्ट्स। जो आपके सिस्मिक वेव्स हैं उनका ओरिजिन फोकस से ही होता है, एंड फ्रॉम हेयर वेव्स ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उसको हम फोकस कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, पृथ्वी के अंदर वो बिंदु, वो जगह जहां से वेव्स जनरेट हो रही है, जहां से एनर्जी क्रिएट हो रही है और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही है, उसी को तो हम फोकस कहेंगे। एपिसेंटर क्या होता है? बताइए। नहीं पता? मैम द अर्थ अर्थ सरफेस वेयर द इफेक्ट ऑफ सडन मूवमेंट्स। फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर, फोकस के जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर जो प्लेस होता है क्रस्ट के ऊपर। क्रस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं क्रस्ट क्रस्ट कह रही हूं, जिस पे हम लोग खड़े हैं, जो ये लैंड सरफेस है, इसी को हम क्रस्ट कहते हैं, है ना। तो भूकंप हमारे नीचे आता है, फोकस नीचे होगा, पृथ्वी के नीचे, और उसके जस्ट ऊपर जहां पे हम लोग खड़े हैं वो एरिया होगा आपका एपिसेंटर, जहां पे सबसे पहले तरंगे पहुंचती हैं। बताइए दो तरह की अर्थक्वेक वेव्स कौन सी होती हैं? टू टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स कौन सी हैं? मैम बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ओके करेक्ट। विच वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव? मैम सरफेस वेव्स। यस, सरफेस वेव्स। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ दिस बॉडी वेव्स? टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। मैम प्राइमरी पी वेव्स वेव्स एंड एस वेव्स। पहला बताओ कौन सा होता है? प्राइमरी वेव्स मैम प्रेशर एंड शेयर वेव्स। प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। इनमें से कौन सा वेव है जो कि आपका सॉलिड में ट्रेवल हो सकता है और कहीं नहीं ट्रेवल होता है? प्राइमरी वेव्स प्राइमरी वेव सॉलिड में ही ट्रेवल होता है और सब किसी में नहीं हो सकता। दूसरा वाला है, दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी। जो जो आज मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से आप लर्न करेंगे और उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो बाकी का जो है कल हम जो है इसका रिवीजन करेंगे। आप लोग क्लास से जरूर आप जुड़िए, जितना आप जुड़ेंगे आपको फिर रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, आप यहीं पे सब कुछ लर्न कर लोगे, ठीक है? थैंक यू यस क्लास। हाँ मैम। आपने मैम वो प्रैक्टिकल में मैम कहा था कि प्रैक्टिकल का वो, कुछ हाँ मैं उसको रिटर्न लिख के भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगी, फिर उसको वैसे ही कर लेना। मैम। ओके थैंक यू क्लास। थैंक यू।